भाई, अभी फिलहाल मैं मुन्नार में हूँ। यहाँ से निकलेंगे अभी कन्याकुमारी के लिए। कल लेट ही हो गया, वैसे होटल बुक किया था और कहीं। सब लोग बहुत ही अच्छे हैं, वैसे हेल्प करते हैं सभी। केरला में भी सब हेल्पफुल बंदे थे, यहाँ पे भी अच्छे हैं सभी जगह पे। ट्रिप में अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बहुत ही अच्छा है। और वैसे आज मेरा बर्थडे है, बर्थडे के दिन मैं घूम रहा हूँ। देखो यार, आज वैसे घर पे रहना चाहिए था। चलो, किस्मत की बात है, पूरा सामान हो गया है पैक। अभी यहाँ से चलते हैं, इधर ना एक्सप्लोर करने के लिए अभी टाइम नहीं उतना, मुझे जल्दी घर पे पहुँचना है। घर से कॉल आ रहा है बार बार आओ, क्योंकि घर का काम भी चल रहा है। तो भाई यहाँ से निकलते हैं, और ये पीछे एक अंकल खड़े हैं, पूछ रहे थे, मतलब बहुत ही उनको भी अच्छा लगा, इंस्पायर हुए अब मेरी स्टोरी सुन के। अभी यहाँ से निकलते हैं फटाफट, क्योंकि टाइम भी हो रहा है। और मैं एक जगह पे ना अभी आज एक दोस्त के घर जाने वाला हूँ, तो खाना वाना भी उधर ही खाएंगे, शायद 4 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे उधर। तो भाई ऑल सेट टू गो। बार बार चेक करना पड़ता है जाने से पहले, क्योंकि कहीं भाई दिक्कत ना आ जाए, क्योंकि ज्यादा ट्रेवल हो गया ना। चेक वेक तो हो गया, टायर वायर प्रेशर वेशर सब सही है। अभी जाने के लिए तैयार है, अपन निकल रहे हैं। सुबह का टाइम है, वैसे टाइम हो गया है 10:40, और अभी से हो गया भाई क्राउड, मार्केट में हो गई है भीड़। जिस रूट से आए थे उसी रूट से वापस जाना पड़ रहा है, क्योंकि भाई मैं जा रहा हूँ दोस्त के घर विजिट करके। आज खाना वाना उधर ही खाएंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। सो रात के समय का व्यू कुछ था वैसे, और आज दिन का ऐसे लग रहा है, ये देखो भाई। तो भाई मैं ड्रोन उड़ाने के लिए इधर आया था, और एक अंकल मिले हैं, ये बोल रहे कि ये बाइक लेके वो लद्दाख जाने वाले हैं। तो अच्छा है, मैं भी मुझे बोल रहे थे कि लद्दाख जाने के लिए सेफ है क्या, सही है। और ये भी है ऐसे ही कि मतलब एवरीवेयर कैंपिंग करके जाने वाले हैं, तो बोल रहे हैं कि पेट्रोल पंप के आसपास। तो देखो यार, हर जगह से ट्रैवलर बहुत ही मिलते हैं, मतलब सबको अच्छा लगता है ट्रैवलिंग करने। ये मैंने स्पेशली बनवाया था, मतलब स्पेशली लगवाया था ताकि ड्रोन उड़ा सकूं। लेकिन भाई ड्रोन उड़ाने के लिए ना कम्फर्टेबल नहीं है वैसे। एक तो तार है बिजली के बीच बीच में, कहीं पता भी नहीं चल रहा है, तो ड्रोन को लग जाएगा और नुकसान हो जाएगा अपना खुद का ही। तो उस शॉट के अलावा हम चले जाएंगे, इंस्टा 360 का जो भी शॉट मिलता है वो लेते हैं। और मुझे लेट भी हो रहा है, क्योंकि हम तो भाई ट्रैवल कर रहे हैं, और सबसे मेन मोटो रहेगा पहले तो कन्याकुमारी पहुंचना है, और लेट हो रहा है इसलिए मैं निकल रहा हूं भाई। ज़्यादा जितना खींच सके आज खींच लेंगे भाई। तो भाई मुन्नार में आए हैं, और मैं सोच रहा ना एक चाय पत्ती की थोड़ी सी छोटी सी टहनी लेके जाऊं, टहनी मतलब छोटा सा पत्ता, ताकि इतनी दूर तक आया हूं भाई, पता तो चलना चाहिए। कहीं शौक वॉक तो नहीं लगा? तो ये टहनी निकालिए भाई, और लेके जाएंगे घर के लिए। रात को भाई व्लॉग एडिट करते करते ना, वैसे 10 बज गए थे, और एडिट करते करते मैं सो गया, और रात को संजीता का फ़ोन आया बर्थडे विश करने के लिए, और किस किस का आया था मैंने उठाया नहीं किसी का, पता नहीं नींद में बात किया क्या किया, अभी याद आ रहा है मुझे। उसके बाद मैं सुबह सीधा 7 बजे उठ गया, और बाद में देखा तो भाई व्लॉग तो एडिट हुआ नहीं है। तो फिर 7 बजे व्लॉग करने के लिए बैठा, 7, 8, 9, 2 घंटे में व्लॉग कम्प्लीट हो गया। थोड़ा रफ है, लेकिन एडजस्ट कर लेना कल वाला व्लॉग, क्योंकि भाई मुश्किल हो जाता है क्या एडिट ट्रैवलिंग करते करते। अगर अपने पास टाइम हो ना तो आराम से व्लॉग एडिट करके थोड़ा म्यूज़िक डाल के डाल सकते हैं, लेकिन उतना टाइम है नहीं, तो उसी हिसाब से कर रहे हैं जो भी हो रहा है। भाई मुन्नार में हैं हम, और मैंने एक भी फ़ोटो नहीं खिंचाया, सही में बता रहा हूँ, कसम से एक भी नहीं फ़ोटो खिंचाया।
वैसे तो बहुत जगह इधर है एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन अपने पास टाइम नहीं है क्योंकि मुझे जल्दी घर भी जाना है और मेरा मेन मोटो था कन्याकुमारी तक जाके आऊँ। कन्याकुमारी और धनुषकोडी ये सबसे मेन है मेरे लिए, और इसके वजह से मैंने थोड़ा ना डिले कर दिया है, मतलब उनके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, इसलिए उसी हिसाब से मैं स्टे करूँगा वहाँ पे। अगर व्लॉग बनाने जाऊँ ना तो बहुत ही लंबा व्लॉग हो जाएगा, इसलिए मैंने जो जो मेन पार्ट है ना वही ले लेता हूँ। पूरा शूट तो होता है पूरा, लेकिन जो मेन मेन होता है उसी को ले लेता हूँ, क्योंकि जो आप लोग देख रहे हो तो आप लोग भी परेशान हो जाओगे ये क्या फालतू की चीज़ है। तो मैं फालतू की चीज़ कुछ नहीं ले रहा हूँ, बस जो मेमोरेबल मोमेंट है, कुछ अच्छा मोमेंट है वही ले लेता हूँ। मुझे इतनी खुशी हो रही है ना पूछो मत यार, मतलब मेरे 850 सब्सक्राइबर हो गए और ट्रैवल करते करते अपने आप सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं यार। घर जाके ना बहुत बड़ी पार्टी करेंगे यार, पक्का बता रहा हूँ। 1K सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कर लो, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना गाइस। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं आप सोलो ट्रैवल क्यों करते हैं, घर वालों के साथ क्यों ट्रैवल नहीं करते हैं? तो यार मेरा अब हर एक का अलग अलग व्यू है। सबसे मेन बात मेरे लिए तो भाई मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता, उतने दिन नहीं रहते कि मैं ट्रैवल उतना कर सकूँ, क्योंकि मुझे और काम भी रहता है, तो इसकी वजह से मैं सोलो ट्रैवल करता हूँ। दूसरा, मैं गैंग में ट्रैवल नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि हर एक का मन सेम नहीं होता, क्योंकि किसी को बीच में रुकना होता है, किसी को जाना होता है, कोई थका हुआ होता है, तो इस हिसाब से ना सबका कॉम्बिनेशन सही नहीं होता है, तो मैं इसी वजह से सोलो ट्रैवल करता हूँ। सोलो ट्रैवल में कोई टेंशन नहीं रहता भाई, आपने जहाँ रुकना है रुक सकते हो, आप कम 1000 चलाना है दिन में तो 1000 चला सकते हो, मतलब 1000 तो होगा नहीं इतना इस बाइक से, लेकिन जितना आप चाहिए उतना चला सकते हो, जहाँ भी मिलेगा मौका रुक सकते हो। हाँ, बस सेफ्टी का थोड़ा रहता है, आप ग्रुप में रहते हो ना तो थोड़ा सेफ्टी के लिए अच्छा रहता है, और सोलो में थोड़ा अनसिक्योर रहता है, लेकिन मैं ऐसे सिक्योर जगह पे ही रुकता हूँ क्योंकि मुझे खुद पे विश्वास है, मुझे लोगों पे विश्वास है, उसी जगह पे यार रोना आ रहा है यार, मतलब मैं आज साउथ इंडिया में ट्रैवल कर रहा हूँ ना, सही में आंसू आ रहे हैं आँखों में। ग्रुप में ना थोड़ा मस्ती वस्ती हो जाती है, और सोलो में क्या है कुछ नहीं, चुपचाप चले जाता है अपना, तो ये सब अवॉइड हो जाता है, मतलब सोलो में ये सबसे अच्छा है। बाकी पता नहीं, मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बाकी लोगों का तो पता नहीं कैसे क्या है। तो घर वालों को लेके मैं इसलिए ट्रैवल नहीं करता क्योंकि उनको मेरा ना मेरा ढांचा पसंद नहीं आएगा, मैं जितना ट्रैवल करता हूँ बच्चे के साथ होना होगा नहीं उतना कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए ना बहुत दिन चाहिए होते हैं, कम से कम 1 महीने का तो प्लान होना चाहिए, तब जाके हम आराम आराम से 20-25 दिन में अपना ये ख़त्म होगा टूर। लेकिन यार देखो अपने को पता है, लेकिन घर वालों के साथ अगर आप 150-200 किलोमीटर भी जाओगे ना तो घर वाले थक जाएंगे, वो परेशान हो जाएंगे। सही में यार दिल से बहुत फील हो रहा है, आज मुनार में मैं रुका था, नाश्ते किया था, मन तो कर रहा था 2-4 दिन रुक जाऊं, घूम के आराम से एक्सप्लोर करके ना निकल जाऊं, लेकिन अपना क्या है टाइम नहीं है अपने पास उतना भी, क्योंकि जल्दी पहुंचना है घर पे भी, तो मन में बहुत फील हो रहा है यार। बस आप लोगों का प्यार रहेगा ना तो ये मैं ट्रैवल ब्लॉग मोटो ब्लॉग कंटिन्यू रखूँगा, क्योंकि बीच बीच में ब्रेक होता है तो मेरे सब्सक्राइबर है वो चले जाते हैं, भूल जाते हैं हमें। तो ऑलमोस्ट भाई 70 किलोमीटर हो गया है, और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, गन्ने का जूस पियेंगे 1-2 ग्लास क्योंकि थक गया अभी, और कितना बचा है, 96 किलोमीटर है, 3:15 बजे पहुंचेंगे बोल रहे हैं। बहुत देर के बाद मैं कुछ ऐसी जगह पे पहुंचा हूं भाई, और दोस्त के घर पहुँचने में अभी 37 किलोमीटर बचा है। हाँ अभी धूप लग रही है, अभी गर्मी भी लग रही है बहुत, थोड़ा सा सिर दर्द भी होने शुरू हो गया है, आज थोड़ा पानी कम पिया ना सुबह से, उसके वजह से होगा शायद। तो भाई ये देखो जंगल के इलाके से जा रहा हूँ मैं, और अभी थोड़ा ठंडा हवा आने लगा यार, मतलब पूरा हर जगह पर ना हरा भरा है, पेड़ है पूरे दोनों साइड से, ऐसे सेम ना गोवा में भी है, नॉर्थ गोवा में जंगल इलाकों में, वैसे किसी को सबको नहीं पता लेकिन वो नानोड़ा साइड में है, तो अच्छा लगता है ये। तो भाई मैं दोस्त के घर पे आया हूँ, और बाइक अपनी बाहर खड़ी है, और खाना वाना इधर ही खा लिया, और अभी ना चाय दे रहे हैं पापा जी, चाय दे रहे हैं, अभी चाय वाय पी दूँगा। वैसे दोस्त मेरा घर पे नहीं है तो थोड़ा अलग फील लग रहा है, मतलब साथ में होता तो अच्छा लगता। अभी चाय पी रहे हैं,
केक खा रहा हूँ और केला भी दिया है। इसका नाम क्या है? काटे का तो इधर खाना वाना खा लिया और ऑलमोस्ट 4-5 बजने वाले हैं अभी, और थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा था इसलिए टैबलेट भी दे दिया। पापा जी ने टैबलेट भी दे दिया और माँ जी भी अंदर है अभी, इधर वो गाड़ी चेक कर रहे। तो पापा जी ने ना चॉकलेट दे दिए, चॉकलेट, और रात का खाने का भी इंतज़ाम हो गया, केले के पत्ते में भर के खाना दिया है, तो रात को हम खा लेंगे। और ये चॉकलेट्स भी दिए मेरे लिए पापा जी ने, थैंक यू फॉर, इसके लिए भी थैंक यू माँ जी, थैंक यू। अभी निकलते हैं इधर से, हाँ आज बर्थडे है। पानी का बोतल भी ले लिया इधर से भर के, और इधर से अभी निकलते हैं क्योंकि रात को 10-11 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे कन्याकुमारी। आगे का देखते हैं सफर क्या है, आज कैंपिंग ही करेंगे समुद्र के आसपास क्योंकि होटल में तो रुक नहीं सकते, लेट हो जाएगा बहुत ही। ठीक है चलता हूँ, अच्छा लगा आके। बाय 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 बाय, हाँ। तो भाई 5:30 बज गए हैं, बहुत ही अच्छा लगा यार आके इधर, और माँ जी पापा जी बहुत खुश हो गए और वो चाहते थे कि मैं इधर रुक जाऊँ आज, लेकिन क्या करे यार जल्दी घर भी जाना है तो मैं रुका नहीं इसके वजह से। ना खाना पेट भर के खाया, ना मैं वीडियो नहीं बनाया क्योंकि थोड़ा डायरेक्टली कैसे, डायरेक्ट फर्स्ट टाइम आया हूँ तो वीडियो अच्छा नहीं लग रहा था। भाई है मुझे 2-3 किलोमीटर आगे छोड़ने के लिए आ रहे हैं, वैसे तो मैं बोल रहा था उनको जा रहा हूँ करके गूगल मैप लगा के, लेकिन वो मान नहीं रहे। मैं बोला, वो बोले मेरे को 3 किलोमीटर तो छोड़ के आता हूँ। लिटरली मैं बता रहा हूँ, केरला आके ना बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा, मतलब जो भी मिल रहा है एक भी ऐसे नहीं, 100 में से ना पूरा 100 अभी तक तो, हाँ अभी तक बता रहा हूँ, 100 में से 100 मतलब जितने भी लोग मिले हैं पूरा सपोर्ट करने वाले हैं, पूरा हेल्प करने वाले हैं, मतलब उनको ट्रैवलिंग जो करते हैं उसके ऊपर तो बहुत है, वो खुश होकर हेल्प करने के लिए आगे आते हैं ऊपर से। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा यार। तो यहाँ से कन्याकुमारी भाई 210 दिखा रहा है, अभी टाइम है 5:30 बजे हैं और रात के कितने बजे पहुँचेंगे बोल रहे हैं, तो 10:40 तक तो पहुँच जाएंगे बोल रहे हैं कन्याकुमारी में, बीच में 1-2 घंटा रेस्ट तो लेना पड़ेगा, 1-1.5 घंटे का तो कम से कम बीच बीच में 100 किलोमीटर के ऊपर, क्योंकि नींद आएगी ना ट्रैवलिंग में, थोड़ा बहुत नींद आती है यार, खाना वाना खा लिया पेट भर गया तो। चलो मैं जा रहा हूँ भाई। तो भाई ये छोड़ने आए थे और उनका रोड उस तरफ है, ओ मैं अभी देखा गूगल मैप पे दिखा। ओ भाई मैं उनसे बात करते करते रूट भूल गया, ओ वैसे ये वाला रूट था, चलो वो भी हॉर्न मार रहे थे, चलो अभी समझ आया। मुझे पता है देवू और नवी ये व्लॉग देख रहा होगा, थैंक यू फॉर दिस लवली फूड, बहुत ही अच्छा खाना था और थोड़ा प्यार भी मिला घर से, बहुत ही अच्छा लगा नवी देवू, थैंक यू भाई। गाड़ी में कुछ आवाज़ आ रहा है, पता नहीं मेरे हिसाब से चेंज का लग रहा है, तो आगे कोई गैरेज नहीं दिख रही, वहाँ पे ही जाके रुकूंगा क्योंकि चेन लुब्रिकेंट भी लेना है, चेन ना लुब नहीं है, बहुत ही ख़राब है, अभी सूख गई चेन, तो अभी थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहा है किस लिए आवाज़ आ रहा है वो, इसलिए मैं थोड़ा आराम आराम से जा रहा हूँ, कोई गैरेज भी नहीं दिख रहा है। तो भाई एक शॉप पे चेन लुब्रिकेंट है बोल रहा है, तो मैंने भाई उस दुकान से चेन लुब्रिकेंट लिया है, ये कोई सस्ता अविडॉल का है, अच्छा होगा, लेकिन 185 का है, इस पर 185 लिखा है और प्राइस भी उतना ही लिया, लेकिन 185 का तो नहीं रहता, सस्ता वैसे रहता है, इस पर जो लिखा होता है ना वही रेट नहीं लेते, कम लेते हैं रेट, लेकिन अपने को है भाई ज़रूरत तो लेना तो पड़ेगा। क्लीनर नहीं मिला, चेन क्लीनर तो लुब्रिकेंट ही है, और एक बार मारता हूँ, ज़्यादा मार दिया तो चल जाएगा लेकिन गाड़ी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, चाहे तो और भी एक मार लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। चाय चाय, हाँ वन चाय। तो यहाँ पे मैं चाय पीने के लिए रुका और यहाँ पे ना 3 चाय पी लिया, और टाइम ऑलमोस्ट 7:10 हो चुके हैं, 169 किलोमीटर, रात हो जाएगी लेकिन आज तो पक्का पहुँचना ही पहुँचना है, क्योंकि भाई हर दिन ना
कुछ नया नया प्लान बन रहा है और डिले हो रहा है कन्याकुमारी के लिए। जो ड्रीम है वो पहले कंप्लीट करेंगे, अभी कन्याकुमारी कैसे करके आज पहुंचना ही पहुंचना है, और कल बाद में शाम को धनुषकोडी जाएंगे। हाँ तो हमारा डे 4 चल रहा है आज का, और पेट्रोल पहले दिन हमने 650 का पड़वाया था, दूसरे दिन 950 का, फिर 1050 का, फिर बीच में एक बार 600 का, और आज है 960 रुपये का। ये अपना अभी तक का पेट्रोल कॉस्ट है। बहुत ही अच्छा नज़ारा दिख रहा है। ओ भाई साहब, क्या है, कुछ है क्या केरला में? बहुत ही अच्छा सजाया हुआ है। ये कौन सी जगह है? फोन पे आ रहा यार। हमें रास्ते में ना तिरुवनंतपुरम भी मिलेगा। तो भाई YouTube फैमिली, जितना भी आप लोगों ने प्यार दिया, सपोर्ट दिया, आपने कमेंट्स किए, लाइक्स किए, सबका रिप्लाई ना मैं घर जाके दूंगा, क्योंकि अभी रास्ते में मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ सबके, बहुत ही अच्छे कमेंट्स आए हैं, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा। सो फाइनली गाइस, वेलकम टू कन्याकुमारी, जो ड्रीम डेस्टिनेशन है उस पर हम पहुँच रहे हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, खुश हो रहा हूँ, लेकिन आगे देखते हैं, अभी रहने का कुछ बंदोबस्त, उसके बाद सोचा जाएगा, लेकिन बहुत ही खुश हूँ यार। सो फाइनली गाइस, हम अभी कन्याकुमारी में पहुँचे हैं, और रात के अभी 11:45 के समथिंग हो चुका है, और अभी ना रहने का कुछ पता नहीं, लेकिन पहुँच गए इतना तो बता रहा हूँ पहले। और पीछे मेरे ना समुंदर है, पूरा समुंदर दिखाई दे रहा है, अभी तो दिखेगा नहीं आपको दिखाने के लिए, तो अपनी धन्नो इधर खड़ी है, और पहले ना देखते हैं जगह कौन सा कैंपिंग करने के लिए मिलेगा, तो क्योंकि मैं आज होटल में नहीं रुकना चाहता हूँ, ऐसे ही कुछ एक रिकॉर्ड बन जाएगा इसके लिए। वैसे तो होटल में भी रुक सकता हूँ, लेकिन कैंपिंग ऐसे जगह पे आके एक बार कैंपिंग करे तो अलग ही मज़ा है, तो मुझे जल्दी सोना पड़ेगा और जल्दी भी उठना पड़ेगा सुबह, क्योंकि पता नहीं यार लोग आएंगे, क्राउड हो जाएगा, तो उससे पहले मुझे उठना भी पड़ेगा। तो रात को ना मैं कैंपिंग करके यहीं पे सो गया, और व्लॉग एडिट करते करते ना मुझे कब नींद लग गई मुझे कुछ पता भी नहीं चला। सो इस व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कल का व्लॉग भी चेक कर लेना गाइस।